सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार के 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें इस साल जो कि 2022 से 23 के सेशन में नए कोर्स की शुरुआत होंगे। तो चलता मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि देख सकते हैं, राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में इस साल से नए कोर्स शुरू होंगे। बिहार में संचालित राज्य सरकार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में इस साल शैक्षणिक साल 2022 के से 23 से एक नए कोर्स की पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो चलते हैं, मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ जो कि हिंदुस्तान के पेपर में आया है, और इस बार कौन कौन सा जो कि कोर्स के स्टार्टिंग हो रहा है पढ़ाई, तो आप लोग को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिहार में संचालित राज्य सरकार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में इस साल शैक्षणिक साल 2022 से 23 से एक नए कोर्स की पढ़ाई शुरू की जाएगी। सभी कॉलेज को नए कोर्स के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एनओसी ने दिया है। अब कॉलेज के स्तर से AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता लेकर पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल 2022 तक AICTE से मान्यता मिलने की उम्मीद है। अभी तक जो कि अप्रैल तक AICTE से मान्यता मिलने का उम्मीद है। कॉलेज में कोर्स चयन को लेकर वहां के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों को भी ध्यान में रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पर एक से अधिक नए कोर्स को शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। सबसे अधिक कॉलेजों में होगा, जो कि पहले था 2021 तक 12 से 13 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती थी, लेकिन इस बार 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कि कंप्यूटर साइंस ऐड होने वाला है। और वहीं सासाराम में मैं बात करूँ तो माइनिंग की पढ़ाई होगी, भागलपुर में फायर एंड सेफ्टी का, मुजफ्फरपुर में मैं बात करूं तो बायोमेडिकल रिबोटिंग का, और छपरा में फूड प्रोसेसिंग का, और नालंदा जो कि चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनोटिकल्स, तो बेगूसराय में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू होगी। कॉलेज में नए कोर्स के लिए 60 सीटों पर आपको क्षमता मिलेगा, यानी 60 सीट पर आपको एडमिशन होगा। मालूम हो कि राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज की स्थापना कर दी गई है। हालांकि कुछ ऐसे भी कॉलेज है जो कि अस्थायी भवन नहीं है, यानी कि टेम्प्रोरी है, जो कि परमानेंट कॉलेज अभी तक नहीं है। कोई और कॉलेज जो कि परमानेंट जिसका कॉलेज है उसमें पढ़ाई जो कि चल रही है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो मैं दिखा देता हूं कि कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन सा ब्रांच ऐड होने वाला है कोर्स। तो यहां पर देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, जमुई में, औरंगाबाद में, जहानाबाद में, मुंगेर में, सीतामढ़ी, मोतिहारी, शेखपुरा कॉलेज में, ये सब कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस IoT में, तो मैं बात करूँ तो बांका, वैशाली, अररिया, मधुबनी, सिवान, खगड़िया, बख्तियारपुर, भोजपुर, ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस में IoT सिखाया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाटा साइंस में डाटा टेक्नोलॉजी के लिए आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में सहरसा में, शिवहर में, अरवल, भोजपुर में, ये चार इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको डाटा बेस साइंस आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो अगला आ जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको सुपौल, पश्चिम चंपारण, बक्सर, समस्तीपुर, ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नेटवर्क के लिए मैं बताऊं तो नवादा, कैमूर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए किशनगंज, गोपालगंज, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में तो नालंदा, और बायोमेडिकल रिबोटिंग के लिए मुजफ्फरपुर, VR गया, उसके लिए फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेंशन के लिए छपरा में, माइनिंग के लिए सासाराम में, फायर एंड सेफ्टी के लिए भागलपुर में, दरभंगा में, ये दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर एंड सेफ्टी के लिए पढ़ाया जाएगा। केमिकल आपको बेगूसराय में मिल जाएगा, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स मधेपुरा में, और सिविल मोतिहारी और सीतामढ़ी में, ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार जो कि नया कोर्स को
को लॉन्च किया गया है और इस बार ऐड होने वाला है। तो यही था जो कि बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जब इसका चॉइस फिलिंग होता है बिहार इंजीनियरिंग का, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज में कितना सीटें हैं और हर जो कि ब्रांच के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे से जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू।